के अधीन था और बहस के उपरांत जो फैसला सुना गया उससे प्रमुख कथा से दो चीजें सामने आई है। एक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की व्यक्तियों की सरकारी पदों पर भर्ती या कोई मौलिक अधिकार नहीं है। नंबर दो, सरकारों का कोई संवैधानिक कर्तव्य नहीं है कि वो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों की सरकारी पदों पर नियुक्ति देने में आरक्षण की व्यवस्था करे। सर, आप जानते हैं सदियों से हमारे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ भेदभाव अनदेखी चलते आ रही हैं। आज़ादी के बाद ये सारे भेदभाव को समाप्त करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए हमारे संविधान में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो आज हमारा सारे जो आबादी है उसके एक तिमाही हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होते हैं, इन सबको संरक्षण देने की बदौलत इनको अपना अधिकार को निश्चित करने का प्रयास हमने किए हैं। सर, हमारी जमाने में सर शेड्यूल कास्ट सब प्लान, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान और राजीव गांधी जी, हमारा स्वर्गीय राजीव गांधी जी, ये शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो एट्रोसिटी, ये प्रिवेंशन के लिए एक्ट भी लाए थे। सर, आज क्या हो गया है इस सरकार को जो सर हमारे ये अधिकार को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो 15% और 7.5% जो अधिकार हैं, ये अधिकार को छीनने के लिए सरकार क्यों कोशिश कर रहे हैं ये इनको जान। सर 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 बात समझ। सर मैं पढ़ के देता सर मैं पढ़ देता सर ये क्या इस सर सरकार देता हूँ सर कुछ नहीं है सर सर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है। मान्य सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सवा दो बजे एक स्टेटमेंट देंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें सरकार का लेना देना कुछ नहीं है। उत्तराखंड का जिक्र जो उन्होंने किया है, उत्तराखंड में 2012 में सरकार किसका था उनका उत्तर वो देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कांग्रेस का सरकार था 2012 में कांग्रेस सरकार था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसमें भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी माननीय सोशल वेलफेयर मिनिस्टर 2:15 बजे एक स्टेटमेंट देंगे। ये सरकार जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आखिर में ये मौनवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद की बजाय ये मौनवाद की बात करते हैं। एक्सपेंड करना चाहिए सर। अधीर रंजन चौधरी सरकार के खिलाफ जो कुछ भी बोल रहा है, ये जजमेंट है कोर्ट का, सरकार का नाम लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो 2012 में किसका सरकार था उत्तराखंड में? विपक्ष से सर जैसे सही वार्ता होते हैं सर, आप बताइए सर ये सरकार की पक्ष से क्या रखा गया? उत्तराखंड कंटेंडेड that there is no fundamental right to claim reservation in appointments or promotion in public post. There is no constitutional duty on the part of the state government to provide reservation. Sir, what does it mean? Who are these people that are represent? Sir, ye Uttarakhand ki taraf paksh se kisne सुप्रीम कोर्ट में गए, कौन सा वकील गए, किसके पक्ष में रखे, ये सदन के अंदर आपको कहना चाहिए। ये खुल्लम खुल्ला कहिए आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब संरक्षण की पक्ष में है जो कुछ भी भारत सरकार के खिलाफ आप ये सदियों पुरानी उसका पूरा एक्सपंज करना चाहिए सर। इसका एक्सपंज करा दिया जाए सर।